नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सहज चैनल में। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, जिसका उल्लेख आर्टिकल 52 में दिया हुआ है, आर्टिकल 52। पहले नंबर तो आपको यहीं से याद करना शुरू कर देना है कि राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 52 में दिया गया है। ठीक है, इस पूरे वीडियो को हम लोग काफ़ी ध्यान से सुनेंगे, इससे हमको हर चीज़ तैयार हो जाए। और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और काफ़ी कंटेंट भी है इसमें। ठीक है, और काफ़ी कंटेंट भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर तो हमें जाने कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आप लोग जानते हैं। इनका जो प्रथम राष्ट्रपति बने वो कब बने, इस तारीख को भी हल्का दिमाग में रखेंगे, तो 24 जनवरी 1950 को। तो हम लोग जानते हैं कि इनका निर्वाचन होगा, निर्वाचन में पार्टिसिपेट कौन करेंगे, तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, थोड़ा बहुत सभी लोग जानते हैं कि संसद में, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के जितने सदस्य होंगे निर्वाचित, वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं, और दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभाओं के सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं इनके निर्वाचन में, ये सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन जब हम 24 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं, तब उस समय संसद का गठन नहीं हुआ। संसद का गठन क्यों, संसद का मतलब कि संसद में सदस्य नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्योंकि उस समय हमारे पास क्या थी, हमारी संविधान सभा ही थी, और संविधान सभा ही बाद में 26 जनवरी 1950 के बाद क्या हो गई, हमारी संसद बन गई। तो उस तब तो था नहीं, 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति बन गए थे, तो उनका जो निर्वाचन हुआ था वो संसद के सदस्यों के माध्यम से नहीं हुआ था, बल्कि संविधान जो सभा बनाई गई थी उसके सदस्यों के माध्यम से हुआ था। तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो प्रथम जो राष्ट्रपति बने वो किसके माध्यम से बने थे, वो संविधान सभा के सदस्यों के माध्यम से बनेंगे, ये याद रखा जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तो शुरुआती चीज़ हो गई। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा जब राष्ट्रपति उन्हें पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, तो राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और जानेंगे, जो इनकी अर्हता है, तो वो अर्हता क्या होगी, अर्हता को भी दिमाग के अंदर हम लोग रखेंगे। थोड़ा बहुत सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष क्या हुई कंप्लीट होनी चाहिए और लोकसभा में निर्वाचित होने, मतलब सदस्यता होने की योग्यता होनी चाहिए, या देखो भारत का नागरिक होना चाहिए, इतना देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जो सभी पर लागू होती हैं। ठीक है, वो चाहे उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, या कोई सदस्य हो, ठीक है, या विधान लोकसभा अध्यक्ष हो, सभी को पे चीज़ें लागू होती हैं, तो ये राष्ट्रपति के लिए भी लागू होती है, तो कॉमन चीज़ है। लेकिन जो चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं अक्सर, और जो परीक्षा में आता सबसे ज़्यादा, उसकी हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वो प्रथम बिंदु ये है कि संसद का निर्वाचित वो क्या हो, सदस्य हो, मतलब ये योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। संसद के निर्वाचित सदस्य की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो हमको दिमाग में रखना होगा कि हम लोग लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो तीन लोग होते हैं। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि तीनों लोग होते हैं, लोकसभा भी होता है और राज्यसभा भी होती है और राष्ट्रपति होती है, लेकिन राष्ट्रपति को छोड़ देंगे क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति को छोड़ कर हम बात कर रहे हैं निर्वाचन मंडल में। ठीक है, उसके बाद विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जब हम विधानसभाओं की बात कर रहे हैं तो सभी राज्यों की विधानसभाओं की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर कोई विधानसभा गठित नहीं है या उसका विघटन हो चुका है तो उसको छोड़ देंगे, जो भी सदस्य, जो भी विधानसभा होगी जहाँ की भी होगी, तो उसको हम लोग शामिल कर लेंगे उनको। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी राज्य, मतलब कि जितने के आप राज्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी राज्यों के आप विधानसभाएं उपस्थित होने चाहिए, ये मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जितने भी है उनको हम लोग शामिल कर लेंगे निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के, तो याद रखेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ विधान परिषदें हैं, ठीक है, तो विधान परिषदों को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हर राज्य विधान परिषदें नहीं हैं। ठीक है, तो जहाँ विधान परिषदें हैं भी, तो विधान परिषदों के सदस्यों को हम लोग शामिल नहीं करते हैं, ये भी याद रखेंगे। तीसरी चीज़ है दिल्ली और पौंडीचेरी पहले नहीं था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी जो विधानसभा बनी वो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत ही बनाया था वो। ठीक है, तो उसको तब 17वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली पांडिचेरी को फिर जोड़ा गया विधानसभा के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से तो शुरुआती दौर में दिल्ली और पांडिचेरी को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि हम जान ही रहे हैं कि 69वां संविधान संशोधन 1991 में विधानसभा गठित ही की गई दिल्ली और पांडिचेरी की। ठीक है, तो उसको शामिल करने का महत्व नहीं है। ठीक है, लेकिन निर्वाचन मंडल में कब शामिल हुआ, इसको बात आपको दिमाग के अंदर रखनी है। तो 17वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभा है, जो 69वां संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से जुड़ी थी, उसको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई।
दूसरी चीज़ और ये चीज़ देखेंगे कि जो मनोनीत, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, वो उनको शामिल यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ये भी जो राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं मनोनीत किए जाते हैं, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनको जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, उनको शामिल नहीं किया जाता यहाँ पर निर्वाचन मंडल में, ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो कहाँ पर क्या चीज़ ली जा रही है, कहाँ पर क्या चीज़ छोड़ी जा रही है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, नहीं समझ में आया रिपीट कर लेंगे उस चीज़ को। फिर आज देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी हम मिला लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा 2 चीज़ें हम लोग साथ में तैयार हो जाएंगी। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो केंद्र का निर्वाचन आयोग ही कराता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के पास ये पावर है कि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराए। दूसरा, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो चुनाव की अधिसूचना होता है उसको जारी, निर्वाचन की जो अधिसूचना होती है उसको जारी करने का उल्लेख कौन करता है, उसको जारी कौन करता है, तो वो करता है निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग 2 चीज़ें कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण, एक तो अधिसूचना जारी कर रहा है और दूसरा उसका निर्वाचन करा रहा है, तो ये भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। लेकिन जब अगर यदि उनका निर्वाचन होता और संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है, किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, तो उसको सुलझाएगा कौन, तो वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ठीक है, कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय इसको सुलझाएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधी जो भी विवाद होगा निर्वाचन संबंधी, क्योंकि हम निर्वाचन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, निर्वाचन मंडल की बात कर रहे हैं, तो निर्वाचन को दिमाग के अंदर रखेगा कि कौन करा रहा है, कौन सूचना जारी कर रहा है, कौन उसकी अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो उसका निपटारा हमारा कौन कर रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ये तो निर्वाचन संबंधी चीज़ें हो गई जो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा, अब देखते हैं यहाँ पर, चूंकि अब उसका निर्वाचन हो गया तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं उसको, हम यहाँ पर देखते हैं शपथ की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के शपथ की जब बात आती है तो किस आर्टिकल में दिया हुआ, तो 60 में दिया गया है। किस में दिया गया, आर्टिकल 60 में दिया गया है। और वो जो शपथ लेता है वो संविधान के संरक्षण परिरक्षण का उसकी रक्षा करने के लिए शपथ लेता है राष्ट्रपति। क्या कहता है, संविधान, इसीलिए संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही उसका क्या किया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया भी जाता है। इसको थोड़ा कनेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर कि आर्टिकल 60 के माध्यम से, ध्यान सुनेंगे, आर्टिकल जो 60 है उसमें शपथ लेता है। शपथ किसकी लेता है, वो संविधान की शपथ लेता है, उसके परिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेता है। तो ये टर्मोलॉजी परीक्षा में पूछी जा गई है कि उस शपथ में क्या टर्मोलॉजी इस्तेमाल की, क्या शब्दावली प्रयोग की गई है। तो संविधान इसी आधार पर, मतलब कि अगर संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसी आधार पर उसको महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाती है। एकमात्र आधार है जिसको शामिल किया गया है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए। तो महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है, अभी इसकी चर्चा कर लेंगे हम लोग। वेतन वर्तमान 5 लाख है, और जो उसका वेतन होता है राष्ट्रपति का उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता, किसी प्रकार का, जैसे कि आयकर की हम लोग बात करते हैं तो किसी प्रकार का आयकर नहीं है उसके ऊपर, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। अभी हम लोग महाभियोग की चर्चा भी कर लेंगे, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि की हम लोग बात करते हैं, तो पदावधि की जो दे रखी है वो आर्टिकल 56 में भी दे 56 में दे रखी है, इसको ध्यान देंगे। तो राष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 56 में दी गई है, 5। अब पदावधि हो गई, चलिए वो उसका निर्वाचन हो गया, उसका पदावधि हम लोग जान गए कि 5 वर्ष के लिए वो होता है। लेकिन अगर बीच में किसी कारण से वो हटता है तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसके माध्यम से वो हटता है वहाँ पर। तो एक तो पहला, या तो उसकी मृत्यु हो जाए तो वो हट जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि वह अपना लिखित एक हस्ताक्षर के माध्यम से उपराष्ट्रपति को अपना एक शपथ पत्र उसको सौंपेगा, जिसके माध्यम से वो एक मतलब क्या कहते हैं, त्याग दे सकता है अपने पद से। तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक प्रकार का क्या करेगा, वो त्याग पत्र जारी करेगा और उपराष्ट्रपति को सौंप देगा अपना त्याग पत्र, और वहाँ वो सेवा मुक्त हो जाएगा यहाँ राष्ट्रपति के पद से। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। और तो तीसरी चीज़ है जो महत्वपूर्ण, मैंने आपको बताया कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाने की जब बात हो रही है तो वो जब संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तब, क्योंकि इसी का शपथ उसने लिया है यहाँ पर, उसका अतिक्रमण करेगा तो आर्टिकल 61 के माध्यम से, तो 60 शपथ और 61 महाभियोग की प्रक्रिया से उसको हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं, जब हम लोग यहाँ बात कर ले रहे हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी कैसे, ये चीज़ हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। हमने इसको मेंशन नहीं किया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनेंगे इसको। जो महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है, तो सबसे पहले महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए राष्ट्रपति को सबसे पहले आपको सूचित करना है, जो सदन होगा, ठीक है, वो उसको सूचित करेगा। किसको, राष्ट्रपति को सूचित करेगा, 14 दिन पहले सूचित करेगा कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। अच्छा, अब ये सूचित करेगा, अब ये प्रस्ताव लाया जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो प्रस्ताव
जो अनुमोदन होगा, जो अनुमोदन किया जाएगा, वो अनुमोदन कैसे किया जाएगा, कितने लोग अनुमोदन करेंगे, तो 1/4 सदस्य क्या करेंगे, 1/4 मतलब सदस्यों की, जो भी सदन के सदस्यों की संख्या होगी उनके 1/4 लोग क्या करेंगे, अनुमोदन करेंगे इस बात का कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए। फिर क्या करेंगे, किसी भी सदन में, फिर ध्यान सुनेंगे, फिर किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो अनुमोदन आया है वो कहाँ से आया है, शुरुआती प्रक्रिया में जब मैंने कहा कि 14 दिन पहले उनको सूचित किया जाए राष्ट्रपति को, उसके बाद जो 1/4 सदस्य अनुमोदन ला रहे हैं वो पहले लाया कहाँ गया है, लोकसभा में लाया, लोकसभा की तरफ से अनुमोदन आया कि राज्यसभा की तरफ से आया। अगर लोकसभा की तरफ से आ रहा है तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया वहां से प्रोसेस करेगी आगे की तरफ। फिर जब मान लीजिए कि 1/4 सदस्य लोकसभा से अनुमोदित किया गया था, तो एक फिर वहीं पर जो लोकसभा सदस्यों की जो कंप्लीट संख्या होगी, वहीं पर क्या 2/3 सदस्यों की तरह पारित कर दिया जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है लोकसभा के अंदर। फिर लोकसभा से क्या जाएगा, 2/3 सदस्य फिर राज्यसभा में जाएंगे, और 2/3 सदस्य क्या करेंगे, फिर आगे की प्रक्रिया में राज्यसभा में भी 2/3 सदस्यों के माध्यम से महाभियोग की प्रक्रिया क्या कर दी जाएगी, कंप्लीट कर दी जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हम विधेयक की बात करते हैं, जब विधेयक पारित होता है तो लोकसभा राज्यसभा दो जगह पारित होता है, अगर साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं हम, तब ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा जब पारित हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक विधेयक उसको अधिनियम के रूप में नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार से जब यहाँ पर हम महाभियोग की प्रक्रिया की जब चले जाते हैं, तो हमको दिमाग में क्या आएगा कि जब हमने लोकसभा में जब महाभियोग की प्रक्रिया पास करा ली, राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया पास करा ली, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही राज्यसभा में अनुमोदन प्रस्ताव पारित हो जाता है महाभियोग की प्रक्रिया का, उस वैसे ही राष्ट्रपति अपने पद से त्याग दे देगा। तो यह पूरी प्रक्रिया थी महाभियोग की। तो आप लोग समझ सकते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पर और चीज़ और ध्यान देंगे कि एकमात्र पदाधिकारी संसद के अंदर ऐसा होता है जिसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, और किसी के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जाती है। महाभियोग जैसी शब्दावली का इस्तेमाल आर्टिकल 61 में दिया है, और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही दिया गया। हाँ, इस तरह की प्रक्रिया का संबंध अन्य पदाधिकारियों से संबंध रखता है, उसकी चर्चा हम लोग आगे अभी करेंगे। अब देखते हैं, नोट काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोकसभा और राज्यसभा की, राज्यसभा और विधान एवं विधान परिषद, विधान मंडल और विधान राज्यों की हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की हम बात कर रहे हैं, का कोई सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ध्यान देंगे कहाँ पर, राज्यों में जो भी अपर हाउस और लोअर हाउस होगा, और जो संघ में, मतलब कि जो सेंट्रल में अपर हाउस और लोअर हाउस है दोनों, ठीक है, कोई भी उसका सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए योग्य हो सकता है, और वह पद ग्रहण करने की तारीख से पहले स्थान, उस स्थान से पद क्या कर देगा, रिक्त कर देगा, जैसे ही वो राष्ट्रपति बनता है। तो किसी का भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो, जैसे वो राष्ट्रपति बनता है, वो अपने पद से वहाँ से उसी तारीख से क्या होगा, पद त्याग देगा। अब यहाँ पर देखने वाले, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि महाभियोग की प्रक्रिया का संबंध सिर्फ सिर्फ राष्ट्रपति से, लेकिन महाभियोग शब्द के साथ, लेकिन अगर महाभियोग शब्द की हम बात ना करें, सिर्फ प्रक्रिया की बात करें, तो उसमें कौन कौन शामिल हो जाते हैं, उसमें कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों के ऊपर यह प्रक्रिया लागू होती है, लेकिन महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन उस जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया, इसको जानेंगे। मतलब कि संसद के माध्यम से, ये भी कह सकते हैं कि संसद के माध्यम से हटाया जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं, ठीक है। और केंद्र व राज्यों के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटाया जा सकता है। और ये भी ध्यान देंगे कि जो संसद में जो भी प्रक्रिया होती है, अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वो सभी कैसे क्रिया, अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, अगर हम लोग हाई कोर्ट नहीं जा रहे हैं, तो अगर संसद के माध्यम से कोई ऐसा निर्णय लिया जा रहा है तो वो कैसी क्रिया कहलाती है, अर्धन्यायिक क्रिया। तो अर्धन्यायिक महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है, एक प्रकार की अर्धन्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो आपने देखा काफ़ी बड़ा सेक्टर है, इस तरह से आप लोगों ने महाभियोग की प्रक्रिया को भी समझा, और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, कौन नहीं शामिल है, इसको भी समझा। अब आते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर लेते हैं, जिसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसमें कई शक्तियाँ हैं। पहला महत्वपूर्ण शक्ति कार्यपालिका शक्ति, जिसका संबंध आर्टिकल 53 से है। तो आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। ध्यान देंगे
नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती है, और कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो जिसके नाम से सभी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के माध्यम से ही होता है। तो नियुक्ति की शक्ति, अभी आप हम लोग को प्रश्न परीक्षा में अक्सर मिल जाते हैं किसकी नियुक्ति करता है किसकी नियुक्ति नहीं करता, तो ये एक लिस्ट है, इसको याद करेंगे आप लोग। नियुक्ति की शक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, सीएजी और महान्यायवादी की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति यहाँ पर यह कर रहा है। उसके अलावा नदी जल विवाद आयोग का गठन करना, राजभाषा आयोग का गठन करना, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन करना, एससी एसटी कौन एससी है कौन एसटी होगा उसकी घोषणा करना, और किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। तो हम लोग ये तो जान रहे हैं कि क्या कर सकता है, यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। इसके अलावा उसको एक कैटेगरी में भी डिवाइड कर रखे हैं कि कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत है कि वित्तीय शक्ति के अंतर्गत है कि न्यायिक शक्ति के अंतर्गत है कि किसके अंदर है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो नियुक्ति की बात होगी, अब इसी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत हटाने की शक्ति किसके अंदर, किसको किसको हटा सकता है। तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री को हटा सकता है, वो महान्यायवादी की नियुक्ति कर रहा था महान्यायवादी को हटा सकता है, राज्यपाल को हटा सकता है, संघ या क्योंकि प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं लोग, संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को और निर्वाचन आयुक्त को भी हटा सकता है। तो बहुत जल्दी से इसको कंप्लीट किया है मैंने, इसको आप लोग थोड़ा सा कई बार इसको देखेंगे तो आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं विधायी शक्तियों की बात करने, विधिक शक्ति क्या है, तो विधिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं तो पहली महत्वपूर्ण शक्ति मनोनीत करने की शक्ति, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। मनोनीत के अंतर्गत वो दो चीज़ें करता है, एक लोकसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है और उसको क्या करता है 12 सदस्यों को भी राज्यसभा में मनोनीत करता है। देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर, दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का लोकसभा में उसके पास अधिकार है आर्टिकल 331 के अंतर्गत, और 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किया है उसमें से उसके मन पे ऊपर निर्भर करता है कि किसको वो मनोनीत करे। हाँ, अब जब मनोनीत की बात आ रही है तो ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि जब हम लोग निर्वाचन मंडल की बात कर रहे थे तो हम लोग मनोनीत सदस्यों को नहीं शामिल कर रहे थे राष्ट्रपति में, लेकिन जब हम महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत जब हम लोग उनको हटाने राष्ट्रपति को हटाने की बात कर रहे हैं तो मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए कि कहाँ पर करते हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं। दूसरा बिंदु है विधायी शक्तियों में कि सदन के सत्र को आहूत कर सकता है, ये उसका सत्रावसान कर सकता है, सदन को आहूत करना, उसका सत्रावसान करना, मतलब संयुक्त बैठक की बात जब हम कर रहे हैं, आहूत करना मतलब संयुक्त बैठक की बात कर रहे हैं, ठीक है, और संयुक्त बैठक की हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, और लोकसभा के विघटन की भी जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो उसको भी उसका विघटन भी कर सकता है। दूसरी बात, अध्यादेश काफ़ी महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो बिल्कुल किसी अधिनियम की तरह ही कार्य करती है जो कि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के माध्यम से पारित होता है, तो उसी प्रकार से अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है जिसका जो एक समय अवधि होती है अधिकतम जो सीमा होती है कि वही अध्यादेश कब तक लागू रह सकता है, जब तक उसको संसद में पारित ना कर लिया जाए ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। तो अधिकतम सीमा क्या है, अधिकतम सीमा है कि 6 माह और 6 सप्ताह, 6 माह और 6 सप्ताह, 6 माह कब, जब तक नया सदन सत्र में ना आ जाए, और दूसरा ये कि जब सदन सत्र में हो तब उसके बाद 6 सप्ताह का समय और मिलता है उसको सदन में पारित करने का, जो जिस बिंदु पर और जिस विषय पर कानून अध्यादेश जारी किया गया है। तो आर्टिकल 123 में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति की ये शक्ति है। अब वीटो पावर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो जब हम लोग वीटो पावर की बात करेंगे तो वीटो का मतलब होता है किसी पर रोक लगाना, यहाँ पर समझेंगे वीटो पावर। तो वीटो पावर का उल्लेख हम यहाँ पर ध्यान देंगे संविधान में नहीं किया गया, पहला नंबर तो संविधान में वीटो शक्ति का किसी प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन वीटो पावर की शक्ति परंपरागत रूप से राष्ट्रपति के पास होती है, इसको किसी न किसी देश से लिया गया है। तो देखेंगे, याद करेंगे, इसको आत्यंतिक वीटो होता है, निलंबनकारी वीटो होता है, जेबी और पॉकेट वीटो होता है, संपूर्ण वीटो।
सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो वीटो है वो जेवी और पॉकेट वीटो है, लेकिन फिर भी हम लोग सभी वीटो के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो आत्यंतिक वीटो होता है, आत्यंतिक वीटो का संबंध क्या होता है, हमेशा जब दो सरकारें होती बनती हैं, जब एक सरकार जा चुकी हो दूसरी सरकार नहीं आ रही हो, तब उसके बीच की हम लोग स्थिति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब आत्यंतिक वीटो की बात कर रहे हो। क्या हुआ कि पुरानी सरकार थी वो कोई बिल लेके आई, कोई विधेयक लेके आई और वो राष्ट्रपति के पास चला गया और लोकसभा का विघटन हो गया। अब नई सरकार आती है तो नई सरकार से परामर्श लेकर क्या करता है राष्ट्रपति, उसको उस पर रोक लगा के रखता है। ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है, तो ये आत्यंतिक वीटो के अंतर्गत आता है। तो जब आत्यंतिक वीटो का आपके दिमाग में आए तो आप दिमाग में किए दो सरकारों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक जो पुरानी सरकार है एक जो नई सरकार है। नई सरकार से कोई बिल पुरानी सरकार से कोई बिल नई सरकार के पास गया और नई सरकार से परामर्श लेकर राष्ट्रपति ने उसके ऊपर वीटो लगा दिया है। जब हम निलंबनकारी वीटो की बात करते हैं तो निलंबन का मतलब सस्पेंशन, उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बढ़ा के निलंबन कर दे रहे हैं, मतलब पुनर्विचार के लिए दोबारा हम राज्यसभा या लोकसभा के पास भेज दे रहे हैं। तो राष्ट्र ये तो आप लोग पढ़ते ही हैं कि राष्ट्रपति क्या करता है, किसी विधेयक पर अगर उसको कुछ लगता है कुछ गलत है तो वो दोबारा पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो ये एक तरह की वीटो शक्ति उसके पास आ जाती है, निलंबनकारी वीटो की पावर कहलाती है। जेबी या पॉकेट वीटो, जेबी मतलब कि जेब से है, पॉकेट मतलब जेब में, मतलब उसको रख लेना, ऑफिस को काफ़ी समय तक ना निकालना। वैसे जो राष्ट्रपति के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो उसको पारित ही ना करे, लेकिन वो एक लंबे समय तक उसको अपने पास रोक कर रख सकता है, तो उसको बोलते हैं जेबी या पॉकेट वीटो। जब हम लोग संपूर्ण वीटो की बात करते हैं तो वो निजी विधेयक के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि निजी विधेयक पर इसका वो पूर्ण अधिकार होता है कि वो हमेशा के लिए उसको रोक के रखे, उसको पारित ही ना होने दे। तो किस प्रकार का विधेयक होता है जिसको वो पारित ही ना होने दे, तो वो होता है संपूर्ण वीटो, जिसके पास पूरी शक्ति, जिसका नाम ही दे रहे हैं संपूर्ण वीटो, पूरी पावर होती है। तो वो कैसा साधारण विधेयक, वो नहीं जो साधारण विधेयक जो संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसमें जो निजी विधेयक लेके आते उसकी चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब आते हैं न्यायिक शक्ति की बात कर लेते हैं हम लोग। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। दूसरी शक्ति है क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान की शक्तियों में चार शक्तियां हैं, जैसे वीटो पावर थी चार, वैसे चार शक्तियां भी क्षमादान की। एक है लघुकरण, दूसरा परिहार, तीसरा विराम और चौथा प्रतिलंबन। तो ये क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चार हैं लघुकरण कि किसी भी, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, क्षमादान की शक्ति का उल्लेख क्यों किया गया है कि वो किसी अपराधी के संदर्भ में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ऐसा इसलिए क्षमादान की शक्ति दी जाती है कि ये गुंजाइश रखी जाती है कि कहीं ना कहीं अपराधी के साथ कहीं अन्याय तो नहीं हो गया, तो अन्याय हो गया तो ये एक क्षमादान की शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के पास होती है, और जो अपराधी होता है वो लिखित अपना मतलब भेजता है प्रस्ताव, और वहाँ पर फिर उस पर क्या होता है पूरा मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जो भी होता है क्षमादान राष्ट्रपति करता है, अन्यथा वो अपने मन से नहीं करता यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये शक्ति उसके पास होती है। अब इसके अंदर हम लघुकरण की जब बात करते हैं तो लघुकरण का मतलब जैसे सीधे सी बात है कि छोटा कर देना, मतलब कि एक कोई दंड है बदल के कोई ऐसा दंड लेके आना जो उस दंड से क्या हो छोटा दंड हो, तो उसे बोलते हैं लघुकरण, मतलब कठोर दंड से थोड़ा सरल दंड की ओर बढ़ना। परिहार की जब हम लोग बात करते हैं तो परिहार में क्या कर दिया जाता है कि किसी एक वर्ष के कारावास को घटा के 6 वर्ष कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वहाँ तो कठोर था, कोई बहुत हार्ड पनिशमेंट थी उसको सरल कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर उसकी प्रकृति नहीं बदली है। अगर आपको 10 साल की सज़ा है वहाँ पर तो 10 साल की सज़ा 5 साल कर दिया, 1 साल की तो 6 महीने कर दी, इस तरह से उसका लघु उसका एक तरह से परिहार कर दिया गया। जब हम विराम की बात करते हैं तो क्या करते हैं कि इसमें प्रकृति ही बदल देते हैं। प्रकृति क्या बदलते हैं कि अगर कोई मृत्युदंड है तो उसको सरल कारावास में बदल दिया जाता है, मृत्युदंड को सीधे बदल के कारावास में कर दिया जाता है। जैसे अगर हम गर्भवती स्त्री की बात करें तो उसको मृत्युदंड अगर देने जा रहे हैं तो उसको एक सिंपल कारावास में बदल देते हैं, तो ये हमारा विराम के अंतर्गत आ जाता है। प्रतिलंबन में क्या जाता है कि पूरा का पूरा जो अपराधी है उसको ही क्षमा कर दिया जाता है, तो वो प्रतिलंबन के अंतर्गत आता है। बहुत सरल भाषा में ये है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं। हाँ, ये टर्मोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी कि लघुकरण है, परिहार है, विराम है, प्रतिलंबन है, ये टर्मोलॉजी आप लोग याद करिए यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं वित्तीय शक्तियों की बात कर लेते हैं। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत
सामान्य सी चीज़ है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक की अगर हम लोग बात करते हैं, इसको लोकसभा में पेश करवाने के उसके परामर्श पर ही क्या होता है, धन विधेयक और वित्त विधेयक लोकसभा के सामने रखा जाता है। और धन विधेयक वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास ही पावर है, राज्यसभा के पास किसी प्रकार की पावर नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी हम लोग लोअर हाउस या अपर हाउस में किसी में ला सकते हैं, नहीं, इसको लोअर हाउस में ही लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे, प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से बजट लोकसभा में पेश करता है, और हम लोग जानते हैं कि बजट एक प्रकार का धन विधेयक होता है। ठीक है, तो वो उसको उसी के संदर्भ में हम लोग पढ़ लेंगे वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत। अब आते हैं आपातकालीन शक्ति की बात करते हैं। आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रपति के पास तीन शक्तियां हैं, एक आर्टिकल 352 के तहत, 356 और 360 के तहत तीन शक्तियां आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। इसमें है एक राष्ट्रीय आपात की शक्ति है, दूसरा है राष्ट्रपति शासन की, और तीसरी वित्तीय आपात की है। इसकी डिटेल में हम लोग उसको टर्मोलॉजी याद करेंगे, आर्टिकल याद करेंगे, डिटेल में चर्चा हम अलग से इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, काफ़ी बड़ा सेक्टर है, इसके साथ कनेक्टिंग काफ़ी और भी आर्टिकल है, उसकी भी चर्चा करेंगे वहाँ पर, तो इसको अलग से हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर देखते हैं राजनयिक शक्तियों की बात करते हैं। तो राजनयिक शक्तियों में राष्ट्रपति जो होता है, जो अन्य देशों में राजदूत और उच्चायुक्त जो नियुक्त होते हैं, उसको नियुक्त करने का कार्य भी राष्ट्रपति के पास ही होता है, ये शक्ति भी राष्ट्रपति को दी गई है। एक और अन्य शक्ति आती है जिसे बोलते हैं सैनिक शक्ति, वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, मतलब कि तीनों सेनाओं का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और अगर हम जब हम सेनाओं की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आएगा परमाणु मिसाइल की बात कर ले अगर हम लोग, तो परमाणु मिसाइल की शक्ति उसके पास नहीं होती, वो प्रधानमंत्री के अधीन होती है। मतलब परमाणु परीक्षण अगर करना है तो वो प्रधानमंत्री के परमिशन से ही होगा, ना कि राष्ट्रपति की। जैसे कि 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया गया था, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय, उन्हीं से परमिशन लेकर परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो तीनों सेनाओं की शक्ति तो है राष्ट्रपति के पास, लेकिन परमाणु परीक्षण से संबंधित शक्ति जो होती है प्रधानमंत्री के पास होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।